आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि सब स्टेशन में स्टोन्स या ग्रेवल जो है क्यों बिछाते हैं, और साथ ही साथ हम लोग ये भी सीखने वाले हैं कि स्टोन्स का जो है साइज कितना होना चाहिए, क्या हम लोग उसको बिछाते कैसे हैं, क्या सॉयल या मिट्टी या ज़मीन में क्या हम लोग सिंपली स्टोन्स को बिछा देते हैं या उसकी कुछ प्रोसेस भी होती है, तो उसके क्या क्या फ़ायदे होते हैं। तो आपने बहुत सारे वीडियोज़ देखे होंगे इस टॉपिक से रिलेटेड, बट इस वीडियो से आप बहुत कुछ नया कुछ सीखने भी वाले हो। मैंने अपने कम्युनिटी गाइडलाइन में एक क्वेश्चन पूछा था कि हमारे जो पावर सब स्टेशन होते हैं उसमें स्टोन या ग्रेवल जो है डालते हैं क्यों है। क्या उसका एक कारण ये भी है कि इसके डालने से हमारा कोई भी ग्रास या प्लांट या पेड़ पौधे जो है नहीं उगेंगे। तो मैंने इसके लिए ऑप्शंस भी दिए थे, या सही है, नो ऐसा नहीं है, या कोई आइडिया नहीं है। तो मैक्सिमम लोग ने क्या किया, 87% लोगों ने कहा यह सही है। तो ये मैं बता दूँ, ये आंसर एकदम बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि बहुत लोगों का कहना भी था, बहुत सारे YouTube पे वीडियोस भी मैंने देखे, वहाँ पर भी लोग बता रहे हैं कि सब स्टेशन में जो गिट्टी डालते हैं उसका एक कारण जो है ये भी है कि इसके वजह से ग्रास या कोई भी प्लांट पेड़ पौधे नहीं उगते हैं। मैंने बहुत सारे सब स्टेशन को विजिट किया हूँ और फाइनली जो है रिजल्ट निकल के ये आया है कि स्टोन या ग्रेवल जो है कोई मैटर नहीं करता है कि उसके वजह से पेड़ पौधे या जो ग्रास जो है नहीं ग्रो करेंगे। जैसा कि आपको इस पिक्चर में आपको दिख भी रहा होगा कि स्टोन या ग्रेवल्स डालने के बावजूद भी जो है यहाँ पर ग्रास या जो पौधे जो है वो ग्रो हो रहे हैं। इसलिए ये चीज़ें आप दिमाग से निकाल दीजिए कि स्टोन या ग्रेवल्स की वजह से जो है पेड़ पौधे नहीं उगेंगे। तो इस वीडियो को अच्छे से समझने के लिए सबसे पहले हम लोग देखेंगे ग्रेवल्स या स्टोन्स को बिछाने से पहले और क्या क्या चीज़ें जो है सब स्टेशन में की जाती है, तभी आपको जो है सारे कंसेप्ट जो है इस वीडियो में क्लियर हो जाएगी। सबस्टेशन में स्टोन्स या ग्रेवल्स लगभग सबसे लास्ट में फील करते हैं, जब सबस्टेशन में लगभग सारा काम जो है हो चुका होता है। जैसा कि आपको इस पिक्चर में दिख भी रहा होगा कि यहाँ पर सभी स्ट्रक्चर के आसपास जो हमारी खाली जगह है वहाँ पर क्या है, मिट्टी भरी हुई है। सपोज जो है हम लोग मान लेते हैं कि इस कंडीशन में सब स्टेशन को हम लोग चालू कर देते हैं, तो इस सब स्टेशन में फॉल्टी कंडीशन में यहाँ पर काम करना जो है काफ़ी रिस्की जो है हो जाता है, खासकर जो है बरसात के दिनों में फॉल्टी कंडीशन में या मेंटेनेंस के समय यहाँ पर काम करना जो है काफ़ी रिस्की हो जाता है, क्योंकि जो वाटर होती है वो सॉयल की कंडक्टिविटी को हमारी क्या करती है, बढ़ा देती है। इनकेस अगर यहाँ पर कोई लाइव कंडक्टर अगर टूटकर अगर गिर जाए या किसी वजह से स्ट्रक्चर की बॉडी में लीकेज करंट आ जाए, तो आप सोच सकते हो इस सब स्टेशन में इस सिचुएशन में यहाँ पर काम करना जो है काफ़ी हाईली रिस्की हो जाता है। और जो है इस जगह पर पेड़ पौधे या ग्रास उगने के जो चांसेस होते हैं वो भी जो है बढ़ जाते हैं। अगर जो है यहाँ पर ग्रास उगते हैं तो इससे वहाँ की सॉयल की कंडक्टिविटी भी क्या होती है, बढ़ जाती है। और अगर पेड़ या पौधे अगर बढ़ने लगे तो वो क्या होंगे, लाइव कंडक्टर को हमारा टच कर सकता है, इससे जो है फॉल्ट की सिचुएशन जो है हमारी क्रिएट हो सकती है। तो इन सभी चीज़ों से बचने के लिए, मतलब यहाँ पर जो है वाटर का जमाव ना हो और पेड़ पौधे ना उगे, तो इसके लिए जो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले जो है हम लोग यहाँ की मिट्टी को अच्छी तरीके से प्रॉपर लेवलिंग कर देते हैं। इसके बाद जो है हम लोग इस मिट्टी के ऊपर सैंड मतलब बालू को फील करते हैं। लगभग 100 mm की लेयर जो है बालू से फील की जाती है। इसके बाद जो है हम लोग इस बालू के ऊपर फ्लैट ब्रिक सोलिंग की जाती है, मतलब ब्रिक्स या ईंटें को बालू के ऊपर बिछा दी जाती है। इसके बाद जो है इस ब्रिक्स के ऊपर हम लोग PCC करते हैं। तो PCC जो हम लोग करते हैं 1:3:6 रेशियो में करते हैं, मतलब लगभग 4 इंच जो है हम लोग PCC करते हैं। और जो है हम लोग हर 1 से 2 मीटर के बीच में लगभग हम लोग एक एक होल छोड़ देते हैं। वो जो होल जो छोड़ेंगे, जो छिद्र छोड़ेंगे, वो किसके लिए छोड़ते हैं, हम लोग वाटर आउटलेट के लिए छोड़ते हैं। ये सारे चीज़ें जो हम लोग कर रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ जो है इसलिए कर रहे हैं ताकि जो हमारे ग्रास पेड़ पौधे या जो आपका पानी का जमाव ना हो। तो इन सभी प्रॉब्लम से हम लोग निजात पाने के लिए ऐसा चीज़ें जो हम लोग करते हैं। अब जो हम लोग बात करेंगे कि हमने जो PCC के बाद हम लोग क्या करते हैं, स्टोन या ग्रेवल्स को बिछाते हैं, तो इससे मुझे क्या फ़ायदा होता है, तो अब हम लोग जानने वाले हैं।
तो देख सकते हैं यहाँ पर हम लोग सबसे पहले पीसीसी कर दिए हैं, और पीसीसी के बाद जो हम लोग क्या डालेंगे, स्टोन्स या ग्रेवल्स। तो अगर बात करें कि उसकी साइज़ कितनी होनी चाहिए, तो उसकी साइज़ जो होती है वो 40 mm होती है। अब बात करें स्टोन्स या ग्रेवल्स जो मुझे कितना डालना है, तो 100 mm की लेयर में हम लोग क्या बिछाते हैं, स्टोन्स या ग्रेवल्स बिछाते हैं। लगभग आपके स्टोन या ब्लास्ट जो है 3 लेयर में आपके 100 mm जो हो कम्प्लीट हो जाएंगे। जो हम लोग बात करेंगे कि स्टोन या ब्लास्ट ही क्यों डालते हैं, इसलिए डालते हैं क्योंकि जो इसकी रेजिस्टिविटी होती है वो सॉयल से काफ़ी अच्छी होती है स्टोन की, इसलिए जो हम लोग स्टोन्स या ब्लास्ट का जो है यूज़ करते हैं। और जो है जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हमारी जो ट्रांसफार्मर होती है जब वो वर्किंग कंडीशन में होती है वो वाइब्रेट करती है, तो हमारे जो स्टोन या ब्लास्ट होती है ना वो हमारी वाइब्रेशन को भी कम करने में काम करता है। और जो है ऐसा माना जाता है कि जो ट्रांसफार्मर से जो हमारा हमिंग साउंड प्रोड्यूस होता है उसके वजह से जो स्नेक्स वगैरह होते हैं वो अट्रैक्ट करते हैं। तो हमारा अगर सब स्टेशन में अगर हम स्टोन या ब्लास्ट वगैरह यूज़ करेंगे तो स्नेक या राइट्स या आपके छिपकली वगैरह कम आएंगे। और जो है कुछ केस ऐसे भी सामने आए हैं कि स्नेक के वजह से वो हो सकते हैं हमारे कंडक्टर्स पे चढ़ जाए या हमारे इक्विपमेंट के आसपास रहे, तो इससे कभी कभी देखा भी गया है कि इससे शॉर्ट सर्किट वगैरह होने के चांसेस भी हो जाते हैं। और जो है इसका सबसे इम्पॉर्टेंट कारण जो है कि क्या होता है, हमारे शॉर्ट सर्किट के टाइम क्या होता है, हमारे स्टेप पोटेंशियल या टच पोटेंशियल के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो अगर स्टोन्स या ग्रेवल्स होते हैं तो क्या होती है, हमारे स्टेप पोटेंशियल या टच पोटेंशियल जो है बहुत ही हद तक जो है कम हो जाता है। तो जो लोग टच पोटेंशियल या स्टेप पोटेंशियल के वीडियोस नहीं देखें, मैंने चैनल के लिंक पे आपको दे दिया है डिस्क्रिप्शन में, आप नीचे जाके देख सकते हो।